बार ताली हो जाए। क्या बात, क्या बात, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। बच्चों के साथ हम लोगों का, हम लोगों को शामिल भी मिलता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आपको ध्यान रखना है चीज़ों का। जितना कि आप बालकों के लिए, क्योंकि आप सब ना डरने जैसा कुछ नहीं है। हम लोग आज आपस में बात सुन रहे हैं, हम लोग आज बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप हमको जानेंगे, हम आपको जानेंगे, तभी तो हम लोग एक दूसरे से अपनी चीजें शेयर कर पाएंगे, बताएं कोई। अच्छा, किसको आता है हमको? देखिए कैसे पूरी मजबूती के साथ बच्ची पकड़ी हुई है दीदी का हाथ। अब देखिए दीदी कैसे छुड़ाती है, कैसे आसानी से छुड़ाती है। दीक्षा एक मिनट, दीक्षा एक सेकंड, मैं फिर से बता करें तो आप लोग उस पर 1090 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डरने की बात है, सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कि 1090 पर आप लोग कॉल करिएगा तो जो कॉल करने वाला जो कॉलर होगा उसकी पूरी गोपनीयता रखी जाएगी, उसके बारे में किसी को बताया नहीं जाता है, गोपनीय रहता है। और उनको ना पुलिस थाने पर बुलाया जाएगा कभी, ना पुलिस आपके घर जाएगी, ठीक है। इस पर आप लोग निस्संदेह आप लोग कॉल कर सकते हैं, कॉल करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा वहाँ लगातार। इसका हेड ऑफिस लखनऊ में है वहाँ से, और इसमें कॉल करेंगे तो महिला कर्मचारी आपसे बात करेगी, ठीक है। उसको अपनी पूरी समस्या आप बता सकते हैं, ठीक। हम आए आप लोग से दोस्ती करने के लिए, दोस्ती करिएगा ना, पक्का। कटिया से हम दोस्त हुए रमदान, जो भी हम बात करेंगे हम खुल के बात करेंगे जैसे दोस्तों के साथ हम बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों से हम बात करते समय शर्माते तो होंगे नहीं, हम बिंदास बात करते होंगे, वैसे हम लोग बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, इसमें पुलिस से कितने लोगों को डर लगता है? तो माइक लेते हैं, माइक माइक भी हेलो मैडम, क्या होता है तुम्हारा बताइए। जब आप यहाँ से अपने मोबाइल से कॉल करते हैं तो आपकी कॉल जाती है लखनऊ, लखनऊ से फिर AMDT है, इस पर आपकी सूचना पूरा बायोडाटा जो भी है आप जो भी बताते हैं मोबाइल नंबर के साथ और सारा चीज़ लिख करके इसमें आता है, आपका मोबाइल नंबर आता है, फिर आपसे हम बात करते हैं ये आपने कहाँ से फ़ोन किया है, 100 नंबर पर फ़ोन किया है, फिर आपने अपनी बात बताते हैं कि हाँ हमने 100 नंबर पर सूचना दी, ये समस्या मेरी है। जैसे आप रूट बताते हैं उस हिसाब से मैं अपनी गाड़ी के साथ फोर व्हीलर के साथ आपके यहाँ मौके पे आता हूँ, जैसे मैं अभी आया हूँ और आपकी समस्या देखता हूँ, अगर मुझसे हो बनता है करता हूँ, नहीं तो मेरे उच्च अधिकारी यहाँ हैं, मैं इनको सूचना देता हूँ और ये सर आते हैं और कार्यवाही करते हैं। मतलब ऐसे पकड़ने का मतलब ये है कि जो उसका नाल है पिस्टल का तो उसको ऐसे मारेंगे झटका कि वो सेफ जोन में चला जाएगी, किसी के शरीर पर ना लगे, तो नीचे करने का मतलब नीचे चला जाएगा, शरीर पर लगेगा नहीं, ठीक है। आपका गला दाबने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से वो गला आपका पकड़ा हुआ है, कहेगा हम गला दाब देंगे तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? जैसे ही मैं देखिए मेरा गला पकड़ी हुई है और मुझे छुड़ाना है यहाँ, तो हम क्या करेंगे? जहाँ इनकी पकड़ है हम इस चीज़ को पकड़ेंगे और इनका यहाँ पे हाथ के यहाँ पकड़ेंगे
और इस हाथ से इनके हाथ यहाँ पकड़ेंगे, ठीक है? देखिए पकड़ रहे ठीक है। और सुरक्षा का उद्देश्य ये है कि हम लोग सिविल ड्रेस में रहते हैं, आज हम लोग वर्दी पहन के आ गए हैं, लेकिन हम लोग सिविल ड्रेस में आपके स्कूलों के आसपास आप लोग जहाँ जाते हैं, जब स्कूल की छुट्टी होती है, जब स्कूल खुलता है, उस समय हम लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी कोई भी समस्या होती है तो आप लोग सबसे पहले अपने टीचर से बताइए, जो टीचर लोग आप लोगों को पढ़ाते हैं उनको बताइए कि यहाँ पे ऐसी ऐसी बात हो रही है, यहाँ पे हमको ऐसा कोई लड़का आता है, कोई बाहरी व्यक्ति आता है, व्यक्ति आता है तो आप उनको कुछ गाता है, कुछ भी करता है, अपने टीचर को बताइए। टीचर नहीं सुनते हैं तो प्रिंसिपल सर से बताइए। और इसके अलावा आज हमने प्रिंसिपल साहब से बात कर लिया है तो आप लोगों की एक यहाँ पर शिकायत पेटिका रखी जाएगी, आप उसको सुझाव पेटिका भी बोला जाएगा, उसमें अगर किसी को कोई समस्या होती है तो आप प्रिंसिपल साहब से बताने के बाद भी अगर नहीं सुना जाता है तो आप उसके लिए शिकायत पेटिका में एक पत्र लिख के डाल दीजिए, आप नाम डाल दीजिए, वो डाल दीजिए और वो शिकायत पेटिका में ताला बंद होगा, उस ताला बंद होने के बाद चाबी हमको मिल जाएगी। हम यहाँ पे हफ्ते हफ्ते में आएंगे और उसमें जो सुझाव पेटिका में पत्र मिले होंगे उनको देखेंगे, अगर किसी को किसी ने परेशान किया होगा तो आप वो जो नाम और वो रहेगा वो बिल्कुल गोपनीय रखा जाए। मैं सब इंस्पेक्टर सुनील गौड़ थाना लंका वाराणसी से हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा जुलाई अभियान, जिसके अंतर्गत पूरे जुलाई महीने विद्यालय थाना स्थानीय क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं, विद्यालयों में जाके NGO हैं, तमाम सारे विभाग हैं और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा जाके बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। जो आजकल जो घटनाएँ हो रही हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, जो घटनाएँ हो रही हैं उनके बारे में सावधान रहने के लिए उनको बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कि जैसे ही हम लोग विद्यालय में जाते हैं तो बच्चों के अंदर जो पुलिस के प्रति धारणा है कि पुलिस पुलिस करते हुए भागते हैं लोग, पर जो दो घंटे का हम लोग का प्रोग्राम होता है स्कूल में, वो दो घंटे के प्रोग्राम का ये असर होता है कि जब हम लोग दो घंटे का प्रोग्राम करके जब पुलिस बाहर निकलती है तो वही बच्चे जो देख के हम लोग को भागते हैं, वो दोस्त करते करते आते हैं, 4 साल 5 साल 6 साल के जो बच्चे आके हम लोग से हाथ मिलाते हैं, वो दिल को बहुत तसल्ली मिलती है कि बच्चों के प्रति पुलिस के प्रति उनके अंदर मित्रत्व उनका देख कर खुशी मिलती है। अब आपको क्या करना है, हाथ ऊपर करके दिखाओ, देखिए हाथ ऊपर करो और ऊपर करो, ये ऐसे पकड़ रहे हैं, मुट्ठा बांध लेना है, मुट्ठे के नीचे से दूसरा हाथ लगाना है और झटके से चुड़ा लेना है। पिस्टल की पकड़ कोई पकड़ता है आपको मैं तो इतना तेज नहीं पकड़ेगा, ठीक है? वो इतना तेज पिस्टल की पकड़ नहीं बनाएगा, वो आपको डरवाने के लिए पिस्टल पकड़ा हुआ है और ऐसे कह रहा है कि तुम ये चीज बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं गोली चला दूंगा, इस तरह से वो बोलेगा, ठीक है? तो उसकी पकड़ इतना मजबूत नहीं रहेगी पिस्टल की, क्योंकि अपराधी हमेशा डरा हुआ होता है, उसके मन में हमेशा डर रहता है। अभी हमारे यहाँ कोई सब इंस्पेक्टर अगर पिस्टल पकड़ेंगे बहुत ही मजबूत पकड़ बनाएंगे, लेकिन अपराधी को ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो इतना तेज पिस्टल नहीं पकड़ेगा, ठीक है? तो हम वहाँ के इस प्रकार से छुड़ाएंगे जैसे यही पिस्टल पकड़ी है। और ये खड़े रहेंगे, उनकी पकड़ इतनी अच्छी नहीं रहेगी, पिस्टल भी बहुत तेज है, फोटोग्राफ्स आपको भेज सकते हैं, इवन आपकी फोटोज को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जा रहा है, इसलिए आप कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति को जिसको आप नहीं जानते हैं उनको अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर हैंडल मत करिए, कभी भी उनको अपने
किसी भी सोशल साइट पे ऐड मत करिए, और अगर ऐसा किसी के साथ हो भी रहा है तो आप हमसे शेयर करिए, हम आपकी सारी समस्या का समाधान करेंगे। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, डरता अपराधी है। डर हमेशा अपराधी को होता है। आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि आप अगर डरेंगे तो वो आपका इस्तेमाल और करेगा, फिर से, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अगर ऐसा आपके साथ हो चुका है या ऐसा अगर आप लोगों के साथ हो रहा है, तो प्लीज़ आपको अपनी फैमिली में, अपने टीचर या आप जिसको समझते हैं कि वो आपकी सहायता कर सकता है, आप उसके साथ शेयर करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं माइक अब जो है वो अपने दरोगा जी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।